मथुरा में भी जय श्री राम का रैली निकला हो। जय श्री राम। मार्केट का वीडियो नहीं है, बाजार लगा है। हाँ तो गाइस, जिस जगत में जो नियम बना हुआ है ना, और नियम को पालन करना चाहिए हमें, है कि नहीं? क्योंकि इस जगह में एक नियम है कि यहाँ पर रास्ता में उतर के हमें बहुत सारे लोग ऐसे पत्थर डाल के जाते हैं, पत्ता और पत्थर, और बहुत लोग इसे नहीं भी जाते हैं। लेकिन जो नियम पहले से है किसी देवी देवता के लिए, तो उसे मानना चाहिए ना। हाँ तो गाइस, अभी मैं उतर यहाँ से पत्ता ले लेता हूँ, उसके बाद निकलते हैं आगे। हाँ यहीं से एक तोड़ लेता हूँ। कहाँ भाई, तो चिट भी नहीं रहा है। हाँ चलो, दर्शन लेके यहाँ पर आगे मैं दे देता हूँ मैं पत्ता, पत्थर भी ले लेता हूँ। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हम लोग आए हुए हैं मयूरभंज के कुछ छोटे छोटे गांव में घूमने के लिए, जो कि उड़ीसा में है। ये देखिए इधर का नज़ारा कैसा है। चारों ओर पूरा बादल बादल है, बहुत मज़ा आ रहा है। इधर बारिश में पर पानी जमा हुआ है छोटे छोटे गड्ढों में। तो आइए वीडियो में बने रहिए आगे तक। आप लोग गाइस इस सीनरी को देखिए, सीनरी कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। देखिए इधर पहाड़ है, चारों ओर पूरा बादल ही बादल, नज़ारा बहुत सुंदर है यार, बहुत मज़ा आ रहा है देखिए। बारिश भी इतना ज़ोरदार हुआ है कि गाइस क्या बताएं, और खेतों में पूरा पानी भरा हुआ है, मतलब बारिश मस्त हुआ है। ये सब जो घर बना है छोटा छोटा घर खेतों के बीच में, ये सब इंदिरावास है, इंदिरावास से इसे मिला है, उड़ीसा सरकार ने इन्हें दिया है। चारों ओर पूरा हरियाली, खेतों के बीच में भी घर को बनाया जा रहा है यार, पूरा ज़बरदस्त लुक आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है देखने की। कभी फुर्सत से इधर घूमने आइए, इधर का सीनरी जगह बहुत अच्छा है। ये देखिए नज़ारा देखिएगा, इस रास्ता भी बहुत मस्त, पूरा चकाचक बना हुआ है रास्ता, रोड एकदम पूरा हाईली मेंटेन है। गाड़ी को थोड़ा केयरफुली चलाना पड़ता है, क्योंकि रास्ते के साइड साइड में घर है ना, गांव है यहाँ पर, गांव कंटिन्यू लग लग के ही घर है, कौन सा बच्चा कब दौड़ के आ जाए, इसलिए गाड़ी को भी धीरे रखना पड़ता है, हर एक टर्न में हॉर्न भी मारना जरूरी है यहाँ पर। ये वाला जगह देखिएगा, इस जगह का नाम है पिलका, इस गाँव का नाम है पिलका। यहाँ से निकलते हैं आगे, हमने लेफ्ट ले लिया टर्न। अभी हम लोग कुछ कुछ जगह, ये जगह जो है इधर, हम लोग घाटी के आसपास पहुंच गए हैं, घाटी के सामने करीब ही हैं हम लोग, और अब हम चढ़ने वाले हैं घाटी वाले रोड में। अभी हम घाटी के बस जस्ट नीचे में ही हैं, अभी गाड़ी घाटी में चढ़ेगा ऊपर। इधर लोग उतर रहे हैं एक एक, देखिएगा टर्न स्टार्ट हो गया है, जो सातवां की घाटी है, घाटी का पहला टर्न स्टार्ट हो गया है। अरे आंटी कैसे बैठी थी बाइक में यार, एक पैर उतरा के चल बैठी है।
एक पहला टर्न कंप्लीट हुआ, गाड़ी को भी पूरा जोर लगाना पड़ रहा है, गाड़ी भी आवाज़ कर रहा है, कर रहा है पूरा। हाँ इधर से निकलते हैं आगे, ये रहा दूसरा टर्न। टर्न लेते टाइम जो है गाड़ी पूरा 45 डिग्री एंगल में आ जा रहा है, अगर थोड़ा भी स्पीड से काटे हम गाड़ी पूरा 45 डिग्री एंगल में आ जाता है। ये रहा तीसरा टर्न, यहाँ से चढ़ाई और ज़्यादा है, अभी चढ़ाई इसके बाद और बढ़ जाता है। को देखिए गाइस, इस जगह में ये जो है घाटी का ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पर कोई शायद देवी देवता हैं जो उन्हें प्रणाम करना पड़ता है और उतर के एक पत्ता तोड़ के इस जगह में डालना पड़ता है, उसके बाद गाड़ी आप आगे ले सकते हैं। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं, तो पहले मैं एक पत्ता ले लेता हूँ, यहाँ से पहले एक पत्ता तोड़ लेता हूँ, उसके बाद हम लोग भी निकलेंगे आगे। ये टूट नहीं रहा है भाई पत्ता, इस पत्ते को लेके एक पत्थर भी चुन लेता हूँ, उसके साथ उसको डाल दूँगा। यहाँ पर देखिए आदमी लोग दूर से तोड़ के ला रहे हैं, देख के देखते हुए चले जाएंगे। हाँ तो भाई जिस जगह के लिए जो नियम बना हुआ है ना, और नियम को पालन करना चाहिए हमें, है कि नहीं? क्योंकि इस जगह में एक नियम है कि यहाँ पर रास्ता में उतर के हमें बहुत सारे लोग ऐसे पत्थर डाल के जाते हैं, पत्ता और पत्थर, और बहुत लोग इसे नहीं भी जाते हैं, लेकिन जो नियम पहले से है किसी देवी देवता के लिए तो उसे मानना चाहिए ना। जरूर। बस अभी जो है अभी हम लोग निकल चुके हैं घाटी से आगे, अब हम लोग कुमारडुंगी पहुंचने वाले हैं आगे में, तो सीधा मिलते हैं कुमारडुंगी में। ये देखिए गाइस, हम लोग अभी कुमारडुंगी पहुंचने ही वाले हैं। ये रहा कुमारडुंगी का थाना, ये थाना में इसे ड्राम वगैरह रखा गया है, ये रहा थाना इधर है राइट साइड में। हम लोग निकल अभी अभी मिलेगा हमें कुमारडुंगी मार्केट, आज शायद कुमारडुंगी के डुंगी में बाज़ार है, क्योंकि आज गुरुवार है तो गुरुवार को बाज़ार लगता है यहाँ पर। हाँ आज बाज़ार होगा तो भीड़ भी होगा बहुत ज़्यादा। चलिए बाज़ार से मैं जल्दी जल्दी फटाफट गाड़ी निकाल लेता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ आप लोगों से। इधर चाय भाषा है, इधर क्या है बेनी सागर, और इधर हम लोग जा रहे हैं नवीनवा मुंडी रोड है, मुंडी रोड जो कि हाटगांव मरिया। हाँ तो गाइस अभी जो है हम लोग हाटगांव मरिया पहुँचने वाले हैं, और इधर है मौसम भी थोड़ा पूरा सानी है, मज़ा आ रहा है। हम लोग करीब 52 मिनट में 65 किलोमीटर क्रॉस कर गए हैं, क्योंकि अभी तो रास्ता भी बहुत अच्छा था, रोड बहुत मस्त है, पूरा चकाचक है। और आगे जो है अभी हम लोग को तो रास्ता इतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे थोड़ा रास्ता भी ख़राब है, इसलिए उधर ब्लॉक को छोटा छोटा बनाएंगे, उसके बाद उसको ऐड करेंगे। और इधर गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा था, पूरा लंबा रास्ता, रोड एकदम चकाचक, गाड़ी एकदम पूरा फाँ भाग रहा है, अच्छा लग रहा है।
अभी तक थोड़ा रेस्ट करते हैं, पानी वानी कुछ पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे। ये अभी हम लोगों ने इन किया जगन्नाथपुर वाला रोड, अभी हम लोग सीधा मिलेंगे जगन्नाथपुर में। हम लोग जगन्नाथपुर पहुंच गए गाइस, अभी हम लोग जगन्नाथपुर मार्केट में इन करेंगे। मार्केट तो आज यहाँ भी शायद मार्केट लगा है, गुरुवार है, यहाँ भी बाजार है, लेकिन भीड़ बहुत ज़ोरदार होगा भाई। पहले बाइक निकालते हैं भीड़ से। ये अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं नौमुंडी के रिलायंस पेट्रोल पंप, जो कि नौमुंडी से तो बाहर साइड है। यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक, यहाँ पर साला कभी आने से पेट्रोल नहीं मिलते, कभी भी मैक्सिमम टाइम यहाँ पर पेट्रोल नहीं ही मिलता है। जब भी आए हैं बहुत, मतलब गलती से अगर एक आध दो बार मिला है तो मिला है, नहीं तो नहीं मिलता है। लोग पहुंच रहे हैं न्यू वाले ओवरब्रिज के सामने। हाय हाय हाय, कहाँ से आ रहे हो? स्कूल से? ये जो है नामुंडी काली मंदिर पे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, डीबीसी जिसके डीबीसी से भी निकलते हैं आगे हैं। क्या बात है साला, कि पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है, जिधर भी जा रहे पेट्रोल किसी भी पंप में नहीं है। इन लोगों ने बात करके बंद कर किया हुआ है क्या? सारे पेट्रोल पंप वाले शायद आज बात किए हैं कि आज नहीं यार पेट्रोल पंप नहीं खोलना, जहाँ भी जा रहे पेट्रोल नहीं है लिख के पोस्टर सटा दिए हैं। हद है यार, चल ठीक है कल डालते हैं तुम लोग गुआ में। जय बजरंगबली गाइस, हम लोग बुकना के हनुमान मंदिर पहुंच गए हैं, मतलब गोवा पहुंच गए हैं। कारो नदी रहा हनुमान मंदिर। जय बजरंगबली। हाँ तो गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।